हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिंदी लिटरेचर। प्यारे छात्रों छात्राओं, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का फर्स्ट चैप्टर पहला पाठ सागर नहीं छलकते देखे। सागर यानी समुद्र कभी छलकते नहीं है, लेकिन गागर यानी घड़ा, घड़े में अगर आप पानी भरते हैं तो उसमें जरा सा वो रह जाता है तो छलक करके वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। लेकिन इतना तो आप भी जानते हैं कि सागरों में कभी जल छलकता नहीं है। नकली कांच चमकता अक्सर, हीरे सदा झलकते देखे। नकली जो बनावटीपन होता है, नकली जो बनावटीपन होता है वो हमेशा दिखावा ज्यादा करता है। दिखावा करने वाले बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन हीरा सदा ही झलकता रहता है, उसे अपने पर कभी कोई घमंड नहीं होता। जिनका हृदय प्रेम से सूना, हृदय यानी दिल, हृदय का हृदय प्रेम से सूना उस घट से शमशान भला। जिस व्यक्ति के दिल में अगर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो उस व्यक्ति का दिल शमशान की तरह होता है। ओछी तबीयत के मानव से, ओछी यानी दिखावटीपन वाले व्यक्ति से कब किसको प्यार मिला, कभी उसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये हमसे प्यार करता है। मुंह पे तो कहेगा, आपके सामने कहेगा, लेकिन पीछे आपका गलत ही सोचेगा, बुरा ही सोचेगा। कांटे सदा चुभन ही देते, लेकिन फूल महकते देते। गुलाब का फूल है, कितना सुंदर है, और अगर उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो उसके तने में जो कांटे हैं वो आपको चुभन देंगे यानी कष्ट देंगे। लेकिन फूल जो है वो अपनी खुशबू को कभी भी कम नहीं करता। गागर अक्सर छलका करती, छोटी ओछी कम सोच वाले व्यक्ति ज्यादा दिखावा करते हैं, जबकि महान व्यक्तित्व वाले कभी इस चीज का बखान नहीं करते कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना अच्छा हूं, ऐसा हूं, कभी नहीं होता। बहुत मिले हैं मंचों पर चढ़, मंच जहां पर नेता लोग या कलाकार मंच पर चढ़कर उस स्थल पर चढ़ करके अपनी कला का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं। थोते गाल बजाने वाले, अपने आप की बड़ाई वजह करने वाले, मियां मिट्ठू बनने वाले लोगों को आपने बहुत देखा होगा। बहुत मिले हैं देश सुधारक, राम राज चिल्लाने वाले, जो चिल्लाते हैं वो कभी नहीं कुछ करते। आपने ये कहावत भी सुनी होगी, जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। बूंद नहीं पानी की जिनमें वे घन बहुत गरजते देखे। आज तो नहीं, कल आपने देखा होगा जो वर्षा हुई थी, घन यानी बादल। लेकिन अनायास से काले बादल आते हैं, घेर आते हैं, वर्षा होने लगती है। लेकिन जो सफेद बादल होते हैं वो गड़गड़ाहट के साथ गरजते रहते हैं, लेकिन वर्षा कभी नहीं होती। जिनके घट यानी दिल में शीतलता हो, बादल वही बरसते। जिन बादलों में शीतलता है वो अवश्य ही बरसेंगे, वर्षा करेंगे, जल देंगे। गागर अक्सर छलका करती, भाई पहले ही बोला है कि गागर यानी घड़ा यानी सोची छोट वाले व्यक्ति अपना दिखावा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सागर के समान उनमें गंभीरता कभी नहीं होती। प्यारे बच्चों, आपको मैंने इस पाठ के माध्यम से एक उच्च प्रवृत्ति के और एक निम्न प्रवृत्ति के व्यक्ति के बारे में आपको बता दिया। इसके कवि हैं राम प्रकाश राकेश। इस पाठ में
जो शब्दार्थ हैं, शब्द और अर्थ हैं, वो शब्दार्थ इस प्रकार हैं, आप बुक से भी प्राप्त कर सकते हैं। गागर यानी घड़ा, घट यानी हृदय, ओछी यानी निम्न स्तर की संकीर्ण, एक शब्द का दूसरा जो दो दो दिए हैं, एक भी लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो काफी है। लेकिन ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, जितना आप ज्यादा करेंगे, शब्दकोश आपका जितना बड़ा होगा, उतने ही आप महान व्यक्तित्व के धनी कहलाएंगे। राम राज, जहां लोग हर प्रकार से सुखी हों, गान यानी बादल, माझी यानी नाव चलाने वाला, छलकना उछल कर बाहर आना, सूल यानी कांटा, चुभन देना, किसी को कष्ट देना, तबीयत यानी प्रकृति स्वभाव, सरता या नदी, नौका और ना, ये पाठ आपको देख लिया और आपने समझ भी लिया होगा कि इसमें कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेखक का परिचय आप बुक से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।